स्नेधी, आई एम वेरी क्यूरियस, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, ये जो 5 लैंग्वेज में आपने गाया, जिस वजह से लोगों ने इतना सराहा इस गाने को 5 लैंग्वेज में, और उसमें से 4 साउथ इंडियन लैंग्वेज है, आपने मलयालम में गाया, आपने तेलुगु में गाया, तमिल में गाया, कन्नड़ में गाया, जिस तरीके से गाया, वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि आप वो सारे लैंग्वेज बोलते हैं, क्या आप सारे लैंग्वेज बोलते हैं? आर यू एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस? जी नहीं, मैं सारे लैंग्वेजेस में बात नहीं कर सकता, बिकॉज मैं 5.5 साल बैंगलोर में रहा हूँ, तो कन्नड़ा मैं समझ सकता हूँ अगर कोई बात कर रहा है तो, स्वल्प स्वल्प कन्नड़ा बरता थोड़ा बहुत नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता इसमें, लेकिन म्यूजिक अगर सॉन्ग्स है तो आई कैन लिसन टू देम अगेन एंड अगेन. ये जो वर्ड्स इतने फ्लॉलेसली आए, फ्लॉलेसली एक लैंग्वेज से, तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ा, फ्लॉलेसली यू हैव मूव फ्रॉम वन टू द अदर, तो क्या ये रट्टा मारा फिर आपने वर्ड्स के? ये यस, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड उसका डिक्शन परफेक्ट करने के लिए अपने जो दोस्त हैं मेरे, हैदराबाद से मेरा एक दोस्त है, चेन्नई से मेरी एक दोस्त है, उनको पकड़ा और उनको बोला कि ये करेक्ट कीजिए कि मैं सही तो बोल रहा हूँ कि नहीं. एंड फिर ऑफ कोर्स चूज करना था कि क्या सीक्वेंस में ये मैशअप जाएगा, तो वो काफ़ी सारे इटरेशंस करने के बाद मैंने ये सीक्वेंस फिक्स किया कि हाँ ये अच्छा है, साउंड भी अच्छा कर रहा है, लोगों को अच्छा लगेगा, तो इस हिसाब से किया. अच्छा, इमिटेट किया बेसिकली लैंग्वेज को, सारे सिंगर्स गुड इमिटेटर्स होते हैं. इमिटेटर्स होते हैं, ओके.